Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video, I will tell you about while when statement in QBasic. So while when statement एक तरीके की looping statement है QBasic में, ठीक है? So iteration होता क्या है? Looping और iteration basically हम लोग कोई भी same code को या same set of lines को repeatedly execute कराना है, उसको बोलते हैं looping. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि आपको 2 की टेबल प्रिंट ना हो. सो वाइल वैन एक तरीके की लूपिंग स्टेटमेंट है. इन क्यू बेसिक देर आर 3 लूपिंग स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज वाइल वैन, सेकेंड वन इज डू लूप, थर्ड वन इज फॉर नेक्स्ट. ठीक है, सो आज की इस वीडियो में देखेंगे वाइल वैन स्टेटमेंट क्या होता है, क्या सिंटेक्स होता है. ठीक है, सो इन वाइल वैन यदि हमें कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी लूप को बार बार एग्जीक्यूट करना है इफ कंडीशन ट्रू है. सी मैंने ये अंडरलाइन किया है, कंडीशन रिमेन ट्रू मीन्स आप वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और लाइंस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन उसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो ट्रू होगी. इसी वजह से हम वाइल वैन यूज करते हैं. ठीक है, सो वाइल वैन इज बेसिकली यूज जब हम कंडीशन ट्रू होती है तब हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं. सो लेट्स सी मोर पॉइंट्स ऑन दैट. वाइल स्टेटमेंट. वाइल स्टेटमेंट बेसिकली बताता है आपको वो पर्टिकुलर जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट्स करानी है वो कब तक प्रिंट होंगी. ठीक है, सी आई हैव अंडरलाइन वन लाइन, हाउ मेनी टाइम्स द प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड मीन्स वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगी वाइल स्टेटमेंट हमें वो बताता है. हमारी स्टेटमेंट का नाम क्या था, वाइल वैन. हमें वाइल समझ में आ गया, वाइल स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं हमें पता चले कि वो पर्टिकुलर रिपीटेशन और लूप कितनी बार चलेगा. ठीक है, व्हेन स्टेटमेंट बताता है कि आपका जहां भी व्हाइल लिखा है तो व्हेन स्टेटमेंट वो व्हाइल पे उसे भेजता है. ठीक है, तभी लिखा है मैंने व्हेन स्टेटमेंट शिफ्ट बैक द कंट्रोल टू द व्हाइल स्टेटमेंट. ठीक है, व्हेन स्टेटमेंट जहां भी लिखा होगा वो कंट्रोल सेंड कहां करेगा, व्हाइल स्टेटमेंट को. ये आपको मैं सिंटेक्स से बताऊंगी, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर. ठीक है, सो सिंटेक्स देखते हैं. व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट का पहली लाइन होगी व्हाइल, और उसके बाद देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है कंडीशन. मींस व्हाइल के ठीक सामने आप कंडीशन लिखोगे, मींस ये कंडीशन जब ट्रू होगी उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी तभी एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, सो मैंने आपको बोला था व्हाइल स्टेटमेंट क्या करता है, बताता है कि ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा. सो सी कंडीशन लिखी है, कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है स्टेटमेंट मीन्स अब आप वाइल के अंदर वो सारी स्टेटमेंट लिखोगे. ज़रूरी नहीं है आप एक लाइन लिखो, दो लाइन लिखो, आप नंबर ऑफ लाइंस भी लिख सकते हो. इट डिपेंड्स आपको कितने नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट करानी है रिपीटेडली. ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज व्हेन. ठीक है, सो वाइल व्हेन में फर्स्ट कंडीशन चेक होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, और व्हेन स्टेटमेंट क्या करेगा, व्हेन स्टेटमेंट कंट्रोल शिफ्ट करेगा व्हाइल पे. जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, तो जब वो इस लाइन पे आएगा दैट वो रीड करेगा व्हेन, तो वो क्या करेगा यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, वो फिर से कंट्रोल भेज देगा व्हाइल स्टेटमेंट पे. ठीक है, सो आई होप आपको ये सिंटेक्स लर्न भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा. ठीक है, सो एक जल्दी से इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन लाइन. सो आई हैव रिटन वन प्रोग्राम दैट इज CLS. CLS आप लिखो चाहे नहीं लिखो, इट इज़ ऑप्शनल. ऐसा नहीं आप नहीं लिखोगे प्रोग्राम में एरर आएगी. आप लिखते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आउटपुट विंडो में आपको पहले से शो हो रहा है. ठीक है, नहीं लिखते हो तो वो आपका प्रीवियस वाला प्रोग्राम जो आपने रन कराया उसका रिजल्ट आपको शो होगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. आई हैव रिटन एक्स इक्वल्स टू वन. मैंने क्या किया, एक्स नाम का एक वेरिएबल है उसको मैंने इनिशियलाइज किया वन से. ठीक है, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एक्स. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, मैंने एक्स को किस कौन सी वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, वन से. आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो 10, 15, बट जैसे आप यहाँ लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी चेंज होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइल. सी मैंने वाइल के आगे आपको सिंटेक्स क्या बताया था, कंडीशन. ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वाइल के नीचे जो भी
स्टेटमेंट्स में लिखूंगी तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंट एक्स। मैं यहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ सेमी कोलन लगाया है, ठीक, आप लगाओगे तब भी सही, नहीं लगाओगे एरर नहीं आएगी। वो मैं अभी आपको जब इसका क्यू बेसिक में आपको रन करके दिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, आप लगाते हो तो क्या होता है, नहीं लगाते हो तो क्या होता है, ठीक है। एरर नहीं आएगी, आप नहीं लगाओगे तब भी नहीं आएगी, लगाओगे तब भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है बिकॉज 1 10 से छोटा है, तो क्या होगा x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 x इक्वल्स टू x प्लस 3। मैंने x की वैल्यू अब चेंज कर दी x प्लस 3 से, आप यहाँ 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, बट मैंने यहाँ 3 लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। सो देखिए नाउ x इज चेंज बाय 3, मीन्स x की वैल्यू अब क्या हो गई, x की वैल्यू जो पहले थी प्लस 3, तो नाउ अब आप कैलकुलेट करिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अभी क्या थी 1, तो 1 प्लस 3, अब x की न्यू वैल्यू क्या हो गई, यस करेक्ट, x की वैल्यू हो गई 4, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं when से क्या होगा, ये पर्टिकुलर कमांड मेरा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा वाइल स्टेटमेंट पे, तो अब वो क्या कंडीशन चेक करेगा 4 के साथ, क्यों, क्योंकि अब मेरी x की न्यू वैल्यू क्या हो गई 4, मेरी अब x की वैल्यू 2 नहीं हुई, क्यों, मैंने वो चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन मेरी ट्रू है तो वो क्या करेगा प्रिंट करेगा x, तो x की अभी वैल्यू मैंने क्या चेक करी 4, तो 1 के बाद वो क्या प्रिंट कर रहा है 4, ठीक है। सिमिलरली वो 4 को अब क्या करेगा, चेंज करेगा 3 से, मीन्स x इक्वल्स टू x प्लस 3, अभी मैंने x की वैल्यू क्या प्रिंट करी 4, तो 4 प्लस 3 क्या होता है 7, ठीक है। अब फिर से ये मेरा कंट्रोल शिफ्ट करेगा वाइल स्टेटमेंट पे, ठीक है, तो 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है 7 10 से छोटा है, अब क्या करेगा x की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो x की वैल्यू थी क्या 7, तो 7 प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। अब क्या कर रहा है, x की वैल्यू फिर से चेंज कर रहा है x प्लस 3 से, अब x की वैल्यू क्या है 7, तो 7 प्लस 3 क्या होता है 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू मेरी 10 है, एक दो या तो लेस देन हो या इक्वल्स टू हो, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तो मेरा क्या प्रिंट करेगा x की वैल्यू, यस 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू प्लस 3, x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी थी 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, वेरी गुड। सो अब फिर से जाके चेक करते हैं कंडीशन, 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पर कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, इसके अंदर की कोई भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यस, वाइल स्टेटमेंट में जब भी कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती है, वहीं प्रोग्राम एंड हो जाएगा आपका। सो इसी प्रोग्राम को मैं आपको क्यू बेसिक में रन करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने ये प्रोग्राम क्यू बेसिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी जो मैंने आपको पावर पॉइंट दिखाया था उसमें सेम प्रोग्राम लिखा है, सी एल एस एक्स इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट था वाइल, उसके सामने मैंने कंडीशन लिखी थी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट एक्स, x इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड दी वेंट स्टेटमेंट। मैंने आपको सेमी कोलन के बारे में एक बात बताई थी कि सेमी कोलन आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ एरर नहीं आएगी, ठीक है। सेमी कोलन लगाते हो तो आपका प्रोग्राम में जो भी आउटपुट आ रहा है वो सेम लाइन में आएगा बनके, ठीक है। स्पेस देके आपका नेक्स्ट वैल्यू को, जैसे आपका 1 आया फिर 3 आ रहा है फिर 7 आ रहा है फिर 10 आ रहा है, इस तरीके से वैल्यू आपकी एक ही लाइन में प्रिंट होंगी। इफ आपने सेमी कोलन हटा दिया तो आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा 4, नेक्स्ट लाइन में 4 आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में 7 आएगा, नेक्स्ट लाइन में 10 आएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके बताती हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है 1 4 7 10, और ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है इसलिए मेरा 1x प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है x प्लस 3, तो 1 में 3 ऐड करोगे क्या होगा 4,
तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू हो रही है वाइल वाली, सो 4 प्रिंट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट लाइन में x प्रिंट करा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं x प्लस 3, तो 4 प्लस 3 गिव यू 7, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से उन्होंने वैल्यू प्रिंट करी दैट इज 7, 7 प्लस 3 गिव्स यू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज इक्वल्स टू का साइन भी है वहां पर, इफ इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो मेरे में आउटपुट में 10 नहीं आके 147 ही आता, तो 10 प्लस 3 अब क्या करा उन्होंने, एड कर दिया, 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से वो बाहर आ जाएगा, बट हमने इसके बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो यही प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा। सो आई होप आपको व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट समझ में आ गया है कि हम कैसे लिखते हैं उसको, स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं और इसका क्या पर्पस होता है व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम, इफ यू हैव अंडरस्टूड हिट द लाइक आइकन, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।